हमारा टूर का चौथा दिन है और हम बस निकलने के लिए रेडी हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह आपके भाई ने कर लिया है मस्त से, हमारी बाइकों पे सामान वगैरह बांध लिया गया। अब अपन हम बस अब नरान से निकलेंगे और हुंजा वैली की तरफ जाएंगे, बाबूसर टॉप और कराकरम हाईवे की तरफ चलते हुए उधर से। और बाबूसर टॉप के सीन कुछ ये हैं, चले सीन। तो भाई जान ये अब सही ना कि अब हम कराकरम हाईवे वाले रोड में गिलगत रोड पर चढ़ चुके हैं, चिलास हम पीछे से हो रहे हैं, ये गिलगत रोड पर हम चढ़ चुके हैं इस तरह से। और गर्मी बेइंतहा है यहाँ पे, हमें ये पहाड़ों की तरफ से ऐसा सेक आ रहा जैसे मतलब कि हम किसी तंदूर के इर्द गिर्द बैठे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा सेक दे रहे हैं ये लोग पहाड़। और ये खुश्क रोड है, अब गिलगत तक का ये रोड मुकम्मल इसी तरह खुश्क रोड है, रास्ते में कोई मतलब हरियाली कुछ भी नहीं आएगा इसी तरह। फिर एक लेफ्ट साइड पे आपके दरिया चलेगा, तो राइट साइड पे आपके पहाड़ होंगे, और कभी राइट साइड पे आपके दरिया होगा, लेफ्ट साइड पे पहाड़ होंगे, बस इसी तरह चलते रहेगा, चलते रहना पड़ेगा। और गर्मी भैया जी वो चली, और ये रोड भी कुछ मुझे खास नहीं लगे, कराकरम हाईवे है तकरीबन यहाँ से मेरा ख्याल अंदाजा है के मुताबिक 40-45 किलोमीटर के फासले के बाद 40-45 किलोमीटर का ये वाला रास्ता होगा, इतना छोटा मोटा ऑफ रोड टाइप, और जो फिर उसके बाद आएगा कराकरम हाईवे, और वो तो मतलब मक्खन चीज़ा मोटर है, आप उस पर आराम से 100-110 की स्पीड से जा सकते हैं। रोड भाई जी बहुत गंदा है। तो भाई जान अभी का सीन है कि अभी हमें गिलगत से तकरीबन 120 किलोमीटर पीछे, और ये साई साहब चवले पहनते हुए पास नहीं आए, हम तकरीबन गिलगत से 120 किलोमीटर पीछे हैं और फ्यूल वगैरह करवा रहे थे, तो बस फ्यूल वगैरह करवा लिए, और फिर आगे निकल दें। अभी रोड कुछ इतना खास नहीं है यहाँ का, बस आगे निकल दें फिर मिलते हैं आपको आगे कराकरम हाईवे पे। देखा जनाब सारा दरिया खुश्क हो चुका है, ये तकरीबन ए टू जेड फुल होता था जब तक मैं तकरीबन मैं तीसरी या चौथी मरतबा आया हूँ यहाँ पे, कभी से खाली नहीं देखा, लेकिन इस मरतबा पूरा खाली है, मतलब ज़रा पानी नहीं है पूरे दरिया में, खुश्क दरिया। अब ये चीज़ पता नहीं क्यों ऐसी हो रही है कि खुश्क दरिया है यहाँ पे। हम हैं तकरीबन अभी गिलगत से 100 किलोमीटर पूरा मुकम्मल 100 किलोमीटर पड़ा होगा अभी, और कराकरम हाईवे यहाँ से आया तकरीबन अभी 10 किलोमीटर तक चली है। ये व्यक्तिगत नहीं है जान, ये सिर्फ हाईवे एक है जी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हम रेगिस्तान में, इतना गंदा रोड है, ये साइडों में देख सकते हैं मिट्टी के बाहर है, और ये देखें बहुत ही गंदा रोड है यार। भाई जान अभी भी हम तकरीबन गिलगत से 70 किलोमीटर दूर हैं, और बारिश स्टार्ट हो गई है, और हाईवे अभी तक नहीं आया, जहाँ तक मुझे याद था, मुझे जब जहन में था कि 35-40 किलोमीटर है उसके बाद हाईवे आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तकरीबन हम 50-55 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं चिलास के बाद, लेकिन अभी तक हाईवे नहीं आया, और तो फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर खड़ा भी होना सेफ नहीं है। अभी हमें दो दिन बंदों ने कहा यहाँ पर खड़े मत हो, क्योंकि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलते रहो, यहाँ पर खड़े ना हो।
तो हम रेनकोट वगैरह भी नहीं निकाल पाए अपने पैरों में, हमारे रेनकोट है वो डालने के लिए रुके थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ बना गया था कि यहाँ पे मत रुको। ये मिट्टी के बाहर है इसीलिए आज कड़ा कड़म हाईवे ही दूर हो गया जनाब। बस बारिश दुआ कीजिए, बारिश ना ज़्यादा तेज हो, इतनी चल रही है इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा ना हो। हाईवे बड़ा नहीं काम है आगे, तो फाइनली भाई जान हम हाईवे पहुंच चुके हैं। ये रास्ता जो ना राइट साइड पे, ये राइट साइड पे ये फेरी मार्ग जाता है, फेरी मेडोज जाता है। रुकना बड़े रेनकोट वगैरह पाने, रुकना रेनकोट वगैरह पाने। अच्छा कर ला पाला रेनकोट पा सफर का, मैं बड़े स्टैंड ला दे फाड़ दा। मान थोड़ा जगह करी बाइक नो, गिलगत जावांगे बस, अबा गिलगत ओए गिलगत जाना बस। और ये भाईजान कराकरम हाईवे स्टार्ट हो चुका है, ये मक्खन रोड है, हवा बहुत तेज चल रही है भाईजान, आपको मेरी आवाज समझ में आ रही नहीं आ रही पता नहीं, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। गिलगत यहाँ से 70 किलोमीटर है जी, और हमें घंटा लगेगा। खुंजराब 332, हुंजा 160, गिलगित 58 हैं? आहो ऐसे नहीं जाएगा। ये रोड है जी खुंज कराकरम हाईवे मक्खन रोड, कमाल बेहतरीन। ये रोड सारा टोटल लेट हो गई जनाब, सामने वाले पहाड़ नहीं दिख रहे, इतनी डस्ट है। ये डस्ट का मतलब फॉग वगैरह क्लाउड वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, ये सारी डस्ट है, तो मेरी आंखों तक में डस्ट जा चुकी है, हेलमेट के अंदर तक घुस चुकी है ये। मतलब आज मौसम बहुत ही मतलब वो हो चुका है, ठीक सा सर्दी वगैरह नहीं है, गर्मी है यहाँ पर, आप हवा इतनी तेज़ चल रही है, गर्म हवा तो पूछो मत, इतनी तेज़ चल रही है, आप ये देख ही सकते हो गए डस्ट वगैरह उड़ते हो गए। ये आप देख ही सकते हैं, ये देख रहे हैं ये डस्ट, ये सारी डस्ट है, ये कैसे लगी कैसे हो रही है, इतनी तेज हवा चल रही है, और आगे मतलब ज़्यादा आगे तक दिख भी नहीं रहा मुझे इस डस्ट की वजह से। ये मिट्टी रेत जो भी है, हम तकरीबन गिलगत से अभी 40 किलोमीटर की मुसाफत है, 40 किलोमीटर पीछे हैं।
तो भाई जान अभी सीन ये है कि टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं और हम जगलोड में, गिलगत से तकरीबन 40 किलोमीटर पर जगलोड में हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे चेहरे का नक्शा देख सकते हैं क्या हालात हो चुके हैं। बाकी आपने रोड का व्यू तो देख लिया होगा, बाकी हम यहाँ पे पानी शानी पीने के लिए खड़े हुए थे, फिर अभी निकलते हैं, क्विक अपडेट देना चाह रहा था, मिलते हैं फिर आपको रास्ते में। पानी को मैं पेड़ा, मैं पानी पीने वास्ते खड़े हुए थे, पानी वहाँ ऐसे छोटी स्टिंग है, ये आ गई है, ये आ गई है, कितने टाइम आ गई है, मैं वीडियो से ही बनी हूँ। हाँ मेरे जितने वहाँ ही बड़ी यार मैं एको आती है ना खत्म कर भाईजान। अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 8:42 हो चुके हैं और हम गिलगत पहुंचे थे तकरीबन 7 बजे पूरे, और अभी हम एक रूम ले लिया होटल वगैरह लेके, अच्छी तरह नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और बस अभी हम खाना खाने के लिए निकलेंगे बाहर। तो मैं बस आपको रूम टूर दे दूँ एक जल्दी से क्विक रूम टूर, उसके बाद हम खाना खाने जाएँगे, तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। ये है जी हमारे साजिद साहब, ये नंगा पिंडा लेके बैठे हैं, और ये उमान साहब, ये हुरैरा साहब, मैं आपको रूम टूर, ये रूम टूर रूम है जनाब हमारा, सामने LCD लिखी है, 2 फैन है, ये 4 बेड है, ये हमें भाईजान मिला 1500 रुपये में, ये रूम काफ़ी मतलब गिलगत सिटी में मिला, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गया। तो बस यही था इंशाल्लाह, बाकी अब खाना वगैरह खाने जाते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो भाई जान अभी हम निकलने लगे हैं खंडिया, ये क्या नाम है इसका, गिलगत, गिलगत बल्तिस्तान के बाजार में, और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद दिख रहा है हमें, हम निकले हैं खाना खाने के लिए। मैंने कहा चलो जा तो रहे हैं कुछ मतलब वीडियो अगर हो सके बाजार के शूट कर लेते हैं, लेकिन जो हालात और वाक़ात को मद्देनजर रखते हुए गिलगत का बाज़ार बंद हो चुका है, यहाँ पे पंप ये जनाब बाज़ार है गिलगत बल्तिस्तान का जो कि अभी बंद है। अभी तो भाई जान अभी हम खाना खाने आए हैं हाजी रमजान साहब के होटल में, बस खाना खा के हम बस होटल में जाएंगे, होटल में आराम करेंगे और सिर्फ सोएंगे, क्योंकि सुबह हमने जल्दी निकलना है रमजान के लिए। तो फिर तो भाई जान अभी का सीन ये है कि अभी हमने खाना वगैरह खा लिया हाजी रेस्टोरेंट से, ये एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है,
और अभी हम खाना वगैरह खा के अच्छी तरह बाहर निकले थे थोड़ी चहलकदमी के लिए गिलगत के बाज़ारों में। बाज़ार तो बंद था, बस एक बेकरी खुली थी, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है वो पी हैं, और अभी बस मस्त होटल में जाकर आराम करेंगे, सोएंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम हमने निकलना हमजा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में।